पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने चोरों के एक ग्रोह को गिरफ्तार किया। चोरों से 4 किलो चांदी, 90 ग्राम सोना, लैपटॉप, एलसीडी और 315 बोर की देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने करीब 10 चोरी के मामले सुलझा लिए हैं और पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक इस ग्रोह का मास्टरमाइंड तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो चोरों के पकड़े जाने पर जमानत कर रिहा करवाता था। आइए सुनते हैं भटिंडा के एसएसपी स्वपन शर्मा को। एसपी हेडक्वार्टर से डीएसपी फूल की टीम ने रामपुरा का एक ग्रोह फड़िया है। 7 बंदे गिरफ्तार किए हैं। इन्हां ते पहला भी परचे है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 10 वारदातां 307 दियां चोरी दियां, कार लिफ्टिंग दियां, ये ट्रेस हो गई हैं। तो 21 वारदातां होर मन्नी हैं जिन्हां दा वेरीफिकेशन चल रहा है। इन्हां कोलों कोई 4.5 किलो चांदी, 9 तोले के आसपास सोना, लैपटॉप, LCD, 315 बोर का देसी कट्टा नाल कारतूस ये बरामद हुए हैं। तो ये एक्टिव जिहड़ा ग्रोह सीगा, ये एक्टिव बठिंडा का एरिया लगता हुआ, एरिया राजस्थान का, सिरसा हरियाणा का, इतने एक्टिव सीगा। उम्र 20 तो लेकर 30 साल तक, कोई ढाई साल तक कर रहे थे। राजस्थान के कुछ केसों पकौड़े भी थे इन्होंने जो ग्रोह के मैंबर। ये थी बठिंडा से जुगनू शर्मा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.voiceofindia.net।